फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं फायर अलार्म, यानी कि जब भी आग लगेगी तब बजर ऑन हो जाएगा, यानी कि अलार्म बज जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसमें सबसे पहले 9 वोल्ट की बैटरी, उसके बाद में है बजर, फिर है क्यू यानी कि ट्रांजिस्टर BC547 और लास्ट में है फोटो डायोड। तो ये सेंस करेगा आग को यानी कि फायर को। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि 9 वोल्ट की बैटरी में से पॉजिटिव सप्लाई बाहर निकलेगा, यहाँ पर आकर जंक्शन पे वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक नीचे आएगा और दूसरा साइड में जाएगा। तो सबसे पहले जो नीचे आने वाला जो वोल्टेज है वो पहले आएगा बजर में, फिर बजर में से वो आएगा ट्रांजिस्टर में। तो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में आकर वो रुक जाएगा, क्यों? क्योंकि अभी हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ है, सबसे पहले हमें उसको ऑन करवाना पड़ेगा तभी हमारा बजर ऑन होगा। तो ये अभी कलेक्टर पर आकर रुक गया है। तो दूसरा जो यहाँ पर जाने वाला वोल्टेज है वो यहाँ से जाएगा फोटो डायोड में। तो फोटो डायोड में क्या होगा कि जब भी वो आग को सेंस करेगा, फायर को सेंस करेगा, तो फोटो डायोड हो जाएगा ऑन। फोटो डायोड ऑन होने के बाद यहाँ से वोल्टेज बाहर निकल कर यहाँ पर आएगा ट्रांजिस्टर के बेस में। ट्रांजिस्टर के बेस में वो वोल्टेज आने की वजह से ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑन यानी कि ट्रिगर। ये ऑन होने की वजह से जो ऊपर से आने वाला वोल्टेज था जो कि कलेक्टर पे आकर रुक गया था, ये अभी कलेक्टर में से अंदर जाएगा और एमीटर में से बाहर निकलेगा। एमीटर में से बाहर निकलने के बाद वो जाएगा डायरेक्ट 9 वोल्ट की बैटरी के नेगेटिव में, यानी कि ये पाथ जो है ये पूरा का पूरा हो गया क्लोज। कभी जब यहाँ पर ये फायर को सेंस करता है तब क्या होगा कि ये पाथ पूरा क्लोज होने की वजह से ये हमारा जो बजर है ये हो जाएगा ऑन। ये ऑन होने की वजह से हमें पता चलेगा कि कहीं पर फायर हुआ है यानी कि आग लगी है। तो ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। अभी पहले देखते हैं उसके कंपोनेंट्स और उसके बाद में देखते हैं ये सर्किट कि ये सर्किट आपको ब्रेडबोर्ड पर कैसे बनानी है। तो आइए वो देखते हैं वो सर्किट। आपको यहाँ पर सभी कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है ब्रेडबोर्ड, फिर है 9 वोल्ट की बैटरी, बैटरी कैप, एक बजर है, एक BC547 ट्रांजिस्टर है, एक फोटो डायोड है और कुछ जम्पर केबल्स है। और यहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम भी दिखाई दे रहा है। तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट्स। अभी आइए देखते हैं कि ये सर्किट आपको ब्रेडबोर्ड पर कैसे बनानी है। सबसे पहले आपको लेना है एक ब्रेडबोर्ड, उसके बाद में बैटरी कैप। बैटरी कैप में आपको रेड वाला है वो पॉजिटिव है और ब्लैक वाला है वो नेगेटिव है। यहाँ पर आपको ब्रेडबोर्ड पर चार पार्ट दिखाई दे रहे हैं, पार्ट नंबर ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। तो उसमें पार्ट ए में और डी में आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव लगाना है। तो ए पार्ट के पहली लाइन के पहले होल में हम लगाएंगे पॉजिटिव यानी कि रेड वाला कनेक्शन, और डी पार्ट की लास्ट वाली लाइन के पहले होल में हम लगाएंगे नेगेटिव यानी कि ब्लैक वाला। उसके बाद में आपको लेना है एक जम्पर केबल। जम्पर केबल को आपको लगाना है ए पार्ट में, यानी कि जो हमने पॉजिटिव कनेक्शन किया है ये बैटरी कैप का, उसकी लाइन में हॉरिजॉन्टली आप उसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। फिर इसका जो दूसरा वाला एंड है इसको हमें लगाना है बी पार्ट में। बी पार्ट में आप उसको कहीं पर भी लगा दीजिए। तो बी पार्ट में ये हमने लगा दिया है यहाँ पर। अभी हम लगाते हैं इसके साथ बजर। तो बजर में आपको एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव टर्मिनल दिया हुआ है, जिसमें जो बड़ा वाला है वो है पॉजिटिव और छोटा वाला है वो है नेगेटिव। तो उसको हमें कहाँ पर लगाना है कि आपको ये जो जम्पर केबल का दूसरा एंड
जो कि बी पार्ट में है, वहां पर आपको लगाना है पॉजिटिव, और सी पार्ट में आपको इसको लगाना है नेगेटिव। तो बी पार्ट के ये जो जम्पर केबल है इसकी वर्टिकल लाइन में आप इसका पॉजिटिव लगा दीजिए और सी पार्ट में इसका नेगेटिव। तो ये हमने बजर यहाँ पर लगा दिया ऐसे, ये बी और सी पार्ट के बीच में लगेगा। फिर उसके बाद में हमें लेना है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर की फ्लैट सरफेस आप अगर अपने सामने रखोगे तो लेफ्ट साइड का है वो है कलेक्टर, बीच वाला है वो है पॉजिटिव, एंड राइट साइड वाला है वो है एमीटर। तो यहाँ पर बजर जो लगाया है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है सी पार्ट में, उसकी वर्टिकल लाइन में आपको लगाना है कलेक्टर। उसकी वर्टिकल लाइन में हम लगाएंगे इसका कलेक्टर, और बेस और एमिटर है ये लगेगा हॉरिजॉन्टली, यानी कि पूरा जो ट्रांजिस्टर है ये लगेगा हॉरिजॉन्टली। अभी इतना हो गया, अभी उसके बाद में हम लेते हैं फोटो डायोड। फोटो डायोड में भी दो टर्मिनल है जो कि एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव और छोटा वाला है वो नेगेटिव। अभी इसको हमें लगाना है ए और बी पार्ट के बीच में। तो यहाँ पर आपको ये पॉजिटिव की लाइन दिखाई दे रही है जो हॉरिजॉन्टली, वहाँ पर आपको इसको लगाना है। और ये याद रखिए कि ये फोटो ट्रांजिस्टर फोटो डायोड हमें उल्टा लगाना है, यानी कि यहाँ पर हम लगाएंगे नेगेटिव और बी पार्ट में हम इसका लगाएंगे पॉजिटिव, इसको उल्टा लगाना है हमें। तो बी पार्ट में आप उसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। फिर उसकी लाइन में हमें लगाना है एक जम्पर केबल, यानी कि जो फोटो डायोड है इसका जो पॉजिटिव है बी पार्ट में, उसकी वर्टिकल लाइन में आप लगा दीजिए एक जम्पर केबल। अभी ये जो जम्पर केबल का दूसरा एंड है इसको हमें लगाना है ट्रांजिस्टर के बेस में, ट्रांजिस्टर के बेस में, यानी कि वो बेस की वर्टिकल लाइन में आएगा। फिर उसके बाद में और एक जम्पर केबल लीजिए, वो जम्पर केबल को लगाइए ट्रांजिस्टर के एमीटर में, ट्रांजिस्टर के एमीटर में, यानी कि उसकी वर्टिकल लाइन में लगेगा। और फिर ये जो जम्पर केबल है इसका दूसरा एंड, दूसरे एंड को हमें लगाना है डी पार्ट में, यानी कि नेगेटिव की हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन में आप उसको कहीं पर भी लगा दीजिए। तो ये हो गई हमारी सर्किट रेडी। अभी देखते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। तो इसके साथ हम लगाएंगे पहले बैटरी। तो बैटरी को बैटरी के कैप के साथ लगा दीजिए। तो ये हो गया इतना। अभी देखते हैं इसको फायर करके, यानी कि यहाँ पर हम जब आग लगाएंगे जैसे हम इसको फोटो डायोड के पास में ले जा रहे हैं तो ये बजर अपने आप ऑन हो रहा है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी फायर अलार्म की सर्किट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।